आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मटर पुलाव की बहुत ही टेस्टी रेसिपी, जिसे आप आसानी से कम समय में बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो आप इस मटर पुलाव की रेसिपी को बनाने के लिए बहुत ही कम समय में इतना टेस्टी बना सकते हैं कि आपको मतलब हमेशा इसे खाने का मन करेगा। बहुत ही ईजी तरीके से बनेगी यह। देखिए चावल का एक एक दाना किस तरह से खिल गया है। अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो ये आसानी से प्रेशर कुकर में इतने टेस्टी पुलाव बनेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मटर पुलाव। नमस्ते फ्रेंड्स, शानू किचन में आपका स्वागत है। मटर पुलाव बनाने के लिए हम खड़े मसाले ले लेंगे। इसमें बड़ी इलायची ले लेंगे और काली मिर्च, लौंग, साबुत मिर्च और तेज़पत्ता, ये सारे मसाले ले लेंगे खड़े। चावल ले लेंगे एक बाउल, एक बाउल मटर। प्याज ले लेंगे कटे हुए, बड़े बड़े प्याज हो तो दो ले लें, छोटे हो तो चार से पांच ले लें। लहसुन ले लें एक पूरी कली, काजू ले लें और तेल ले लें और सारे मसाले ले लें। सबसे पहले हम चावल को पानी में भिगो के रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। हम इसे कुकर में बना रहे हैं इसीलिए ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट पर रख दें। डेकोरेशन के लिए हम अनार के दाने, अंगूर, धनिया पत्ती, पुदीना और भी आपके मनपसंद ले सकते हैं। प्रेशर कुकर में हम ऑयल डाल देंगे और इसको गर्म करके सारे खड़े मसाले धीरे धीरे डाल देंगे इसमें। कोल्ड के कारण से मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब हो रही है, तो आपको मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब लगे तो इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत कोल्ड हो रहा है तो थोड़ा गला मेरा ख़राब है। देखिए अच्छे से इसको डालें और इसमें लहसुन पूरी डाल दें, बहुत टेस्टी लगेगी। और आधी चम्मच जीरा डाल लें और प्याज डाल दें इसमें। प्याज को अच्छे से हिला लें, थोड़ा सा इसको ट्रांसपेरेंट होने दें प्याज को, अच्छे से हिला लें इसे। और इसमें दो बड़े चम्मच सौंफ के डाल दें, सौंफ से भी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और अच्छे से हिला लें इसे और अब इसमें मटर डाल दें। हम ये मटर पुलाव बना रहे हैं तो इसमें मटर खूब सारे डालिए, मटर का सीज़न है। मीठे मीठे मटर से पुलाव बहुत टेस्टी बनेगा। अच्छे से हिला लें इसे और अब इसमें हम ये काजू डाल देंगे। आप इसमें, मैंने अंगूर डाले हैं, आप चाहे तो इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं। लाल मिर्ची डाल दें अगर आपको तीखा पसंद हो, वरना नहीं भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। आप इस पुलाव में आपके पसंद के कोई भी फ्रूट्स डाल सकते हैं बनने के बाद। अच्छे से हिला लें इन सबको और इसमें पानी डाल दें। पानी का मेज़रमेंट बहुत ज़रूरी है, वरना हमारे चावल को मेन पानी से ही पता चलेगा। ये देखिए दो उंगल पानी नाप लें आप और इसमें नमक डाल दें। नमक लास्ट में ही डालें, ये नमक डाल दें और अच्छे से हिला लें और ढक्कन लगा दें। अब इसे कम आंच पर ही छोड़ दें और एक सीटी ले लें, एक सीटी ले लें इसमें। एक सीटी आने के बाद कुकर को अपने आप ठंडा होने दें और ढक्कन को हटा दें। और एक चम्मच की सहायता से देखिए चावल हमारे कितने खिले खिले बने हैं, कितने अच्छे बने हैं, ये देखिए। अब इसमें धनिया की पत्तियाँ डाल देंगे और अच्छे से डेकोरेट कर लेंगे। अंगूर डाल देंगे, आप इसमें कोई भी आपके पसंदीदा फ्रूट डाल सकते हैं, लाल चेरी भी डाल सकते हैं। मैंने अनार के दाने डाल के इसको डेकोरेट कर लिया है, देखो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आप इसमें बनाने के लिए कोई भी चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।